हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में। तो ये आपका एक फॉर्म आया है जो हम यहाँ पे आज आपको भरना सिखाऊंगा, किस तरीके से आपको विदाउट कोई प्रॉब्लम भरना है इस फॉर्म को, ठीक है। तो ये देखिए सारे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, आप इसे अच्छे से ध्यान से इसे पढ़ेंगे और ये सारे डिटेल पढ़ने के बाद आप इस तरीके से नीचे आएंगे। ये देख लीजिए यहाँ पर प्रोशीट और ये सारे जो भी इंस्ट्रक्शन है, आपको सारे चीज़ें पढ़कर अच्छे से पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप उसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, फिर से फर्दर उसे आप इस चेकबॉक्स पे चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप इसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वेट कर लेते हैं। देखिए आपका ये रजिस्ट्रेशन का पेज देखिए नोट आ गया, ऐसे हम कर देंगे इसे क्लोज। इस पेज को क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पे सारा ये डिटेल आपसे मांगी जा रही है, आप किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं या किस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो देखिए ये पोस्ट जो है स्टाफ नर्स का है, तो ऑटोमेटिक ये पोस्ट कोड जो है सिलेक्ट हो गया है। आप यहाँ पर कैंडिडेट नेम लिख देंगे, तो चलिए यहाँ पर कैंडिडेट नेम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये मैंने नाम यहाँ पे लिख दिया। नाम लिखने के बाद अब यहाँ पे देखिए जो है आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिए, कंफर्म मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ ईमेल आईडी मांगी जा रही है जिस पे कुछ नोटिस आएगा, तो यहाँ भी इसे कर देते हैं इंटर। तो ये देखिए आपका मैंने ईमेल आईडी जो है यहाँ पर इंटर कर दिया और इस तरीके से ये कन्फर्म ईमेल आईडी को एक बार फिर से आपने इंटर कर दिया। सारे चीज़ करने के बाद अब जैसे ये कैप्चर, कैप्चर को फिलअप करेंगे और इसे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे पॉपअप बॉक्स आएगा, तो आप इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये देखिए आपका जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन जो है साइनअप सक्सेसफुली हो गया और आप अपने ईमेल आईडी पे जाएंगे। ईमेल आईडी पे जाने के बाद वहाँ से आपको एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड जनरेट करके भेजा गया होगा, आप उसे वहाँ से पिक करेंगे। फिर से ये सारे चीज़ें देख लीजिए यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन आईडी ये देख लीजिए आपका आ गया है और ये आपका पासवर्ड जो है अपने ईमेल आईडी पर आप चेक कर सकते हैं। अभी से हम कॉपी कर लेंगे और फिर से ऑलरेडी वाले बॉक्स पे क्लिक करके इसे अपना फिलअप कर देंगे। देखिए मैंने पासवर्ड को भी यहाँ पे कैप्चर कर लिया, तो ये पासवर्ड को कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद फिर से हम इसे उसमें पासवर्ड में इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद देखिए ये सारा चीज़ें जो है, ये पासवर्ड सेव का मांगता तो नेबर कर दीजिएगा। तो ये देखिए आपकी डिटेल्स कुछ आ गई हैं, तो ये सारी चीज़ें एक बार चेक करने के बाद अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, आप जाएंगे गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए आपका ये पेज जो है ओपन हो रहा है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखिए ये आपका जो है डिटेल्स आ गया, ये तीन टैब में दिया गया है, सारी डिटेल आपको भरनी है वन बाय वन। सारी चीज़ें यहाँ आप देख लीजिए क्या क्या आपको मांगा जा रहा है यहाँ पे, और ये चाहिए डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और ये सारे एड्रेस हैं, एड्रेस लाइन 2 या 3 है, सारे एड्रेस आपको भरा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो है आप सेंटर कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, ये कैटेगरी मेल जो है, डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ सारे चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आप यस करिए, नो नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। तो फिर उसे कर लेंगे सेव। तो अब देखिए हम यहाँ पे सारे डिटेल को हम चलते हैं वन बाई वन फिलअप करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है, जो आपका सेंटर है वन जो गोरखपुर सेलेक्ट कर लिया, दूसरा जो है सारे डिटेल मैंने भर लिया और उत्तर प्रदेश के हैं, और जेंडर जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आप जेंडर है मेल या फीमेल सारे इसको आप कर लें, ठीक है। तो वैसे गर्ल्स के लिए तो फीमेल ही करेंगे, तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ अपने इंटर कर लिया। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए, और इस फॉर्म को कर देंगे हम लोग सबमिट। तो देखिए ये फॉर्म जो है, ये वाला टैब जो है सबमिट हो गया। तो अभी देखिए नेक्स्ट जो टैब है उसमें आपका ये एड्रेस मांगा जा रहा है, परमानेंट एड्रेस और ये सारी चीज़ें हैं, तो अब इसे हम चलिए कर लेते हैं। देखिए मैंने वहाँ पे एड्रेस सारी चीज़ें ये वन बाई वन कैसे भरना है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो चलिए आप इसे भर लेते हैं। पहले फादर नेम में, तो फादर नेम में आप जैसे भी स्मॉल में लिखना चाहें या कैपिटल में, जिस तरीके से भी आप लिखना चाहें उस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हाई स्कूल में जो आपके सर्टिफिकेट में नाम है आपके पिताजी का, ओके। तो डिटेल हम यहाँ पर भर लेते हैं। तो देखिए ये आपका यहाँ पे मदर नेम हो गया, तो मदर नेम में ये मैंने यहाँ पे भर लिया। तो इसी तरीके से सारी ये डिटेल आप यहाँ पे भर लेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। तो
तो चलिए देख लीजिए, मैंने यहाँ पे सारे डिटेल जो है इंटर कर दिया है, तो एक बार इसे प्रॉपरली चेक कर लेते हैं सब सारी चीज़ें, ये अच्छे से भरा हुआ है कि नहीं। चेक करने के बाद ये सारी चीज़ें, अपना एड्रेस और ये एड्रेस जो भी, एड्रेस टू भरने कोई ज़रूरत नहीं है, सेम एड्रेस है तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट सब पिन कोड अच्छे से भर लिया। अब परमानेंट अगर एड्रेस सेम है तो उस पर यस कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक जो फिल हो जाएगा और इसे कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद देखिए इस तरीके से आपका एक और पॉप बॉक्स आएगा, इसे ओपन कर लेंगे। देख लीजिए ये देखिए ओपन हो गया है। इसे ओपन करने के बाद इसमें भी कुछ आपसे डिटेल मांगी जा रही हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे भरना है। तो देखिए यहाँ पे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, अगर आपके पास कोई बीएससी या डिप्लोमा डिग्री है तो यहाँ पे इंटर करेंगे। तो चलिए क्वालिफिकेशन डिटेल में भर लेते हैं। पहला यूपी बोर्ड हाई स्कूल, सारे डिटेल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी भर लिया है, तो आप यहाँ पे आसानी से देख कर इसे धीरे धीरे सारे डिटेल को भर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर भरने के बाद, अगर आप जो भी स्पेशलाइजेशन है सब्जेक्ट की, आप देख सकते हैं पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पढ़े हैं, और अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन डिप्लोमा की है या बीएससी नर्सिंग होम है तो यहाँ पे उसको भी आप इंटर कर देंगे परसेंटेज। तो ये इंटर करने के बाद ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए यहाँ पर पढ़ लीजिए, क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है इससे रिलेटेड, अगर है आपके पास तो इसे आप यहाँ पे यस करके उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भर देंगे। भरने के बाद एक बार और सारे प्रॉपर से चेक करने के बाद इसे कर देंगे सेव। सेव करने के बाद देखिए जो आप ये है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेक्शन आ गया डिक्लेरेशन का। तो देखिए ये था आपका ये डिक्लेरेशन का ऑप्शन है। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ जो आपसे मांगी जा रही है, फोटोग्राफ और यहाँ पे अपलोडेड सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाई वन अपलोड करते हैं। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो है, तो उसके मेट्रिकुलेशन का यानी हाई स्कूल का आप अपलोड कर सकते हैं, और उससे बड़ी डिग्री है तो इनसेल क्वालिफिकेशन में कर सकते हैं, और अपना कास्ट यहाँ पे कर सकते हैं, और डिक्लेयर यहाँ कैप्चर को रिफ्रेश करके यहाँ भर कर आप इसे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग भर लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं वन बाई। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स पे जहाँ पे आप सिस्टम में रखे होंगे वहाँ पे जाएंगे और इसे कर लेंगे हम इसे अपलोड, ठीक है। देखिए ये मेट्रिकुलेशन का आपने अपलोड करना है तो इसे हम कर लेते हैं यहाँ पे अपलोड। तो ये देखिए आपका हो रहा है अपलोड, अपलोड हो गया सक्सेसफुली डन। तो सेकेंड अब हम अपलोड कर लेते हैं अपना सिग्नेचर। तो ये देखिए सिग्नेचर हम यहाँ पर करते हैं क्लिक और इसे कर लेते हैं अपलोड, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सारे डॉक्यूमेंट्स के अपने वन बाय वन जो भी आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है सबको अपलोड कर लेंगे। तो ये देखिए ये आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो गया, और अपलोड होने के बाद ये सक्सेसफुली हो गया अपलोड। तो अभी इसे क्लोज़ कर देंगे। क्लोज करने के बाद इसी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जो है यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद ये जो कैप्चर है इसे आप इंटर करेंगे। कैप्चर इंटर करने के बाद और इसे यहाँ पर हम लोग एक बार और प्रॉपर अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा, और कैप्चा को कैश सेंसिटिव है, जिस तरीके से छोटा बड़ा उसी तरीके से आप यहाँ फिलअप करके इसे आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं अपने फॉर्म का तो यहाँ पे प्रीव्यू पे भी आप क्लिक करके इस फॉर्म को देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है किस तरीके से भरा गया, क्या डिटेल आपने इंटर सही किया है। तो सारी डिटेल आप यहाँ पर प्रीव्यू सेक्शन में आप देख सकते हैं, ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अब इसे हम एग्री करके इसे सबमिट कर देंगे। तो देखिए ये फॉर्म को हम कर लेते हैं सबमिट। अब यहाँ पे आप देखिए ओके करना चाहते हैं फाइनल तो यस कर दीजिए, और देखिए आपको मैसेज आएगी और एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली हो गया, तो सबमिट हो गया। तो अब इस तरीके से आप ये फॉर्म को अच्छे तरीके से भर सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये आप जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अधिक से अधिक लोगों में इसे शेयर करें।